जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्वागत कर रही हूँ आपका फिर से एक साप्ताहिक राशिफल में। पहला सप्ताह है नवंबर महीने का, 1 से लेकर के 7 नवंबर तक क्या क्या हमारे साथ होने वाला है, क्या हमें ध्यान रखना है, कौन सी घटनाएं अप्रिय होंगी, कौन सी प्रिय होंगी। डरने की बिल्कुल बात नहीं है, आपके गुरु मां सब कुछ बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो राशिफल है ये एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस पर और आभास शक्ति पर बेस्ड है। इसमें बहुत सारे लोग, क्योंकि हमें सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, तो सबके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर है। आप ध्यान से सुनेंगे, बात को समझेंगे, तो कुछ ना कुछ आने वाले भविष्य के बारे में जो भी आपके मन में जिज्ञासा है वो शांत होगी। क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए गाइडेंस मिलेगी। और अगर कोई अप्रिय घटना होने भी वाली है तो पहले से उसे जान के आप उससे सतर्क हो सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है और अच्छा समय बताया जाता है तो उसका भरपूर लाभ लेंगे। कुछ लोग जो कहते हैं कि गुरु माँ हमको नहीं अच्छी चीजें लगती हैं, बुरी हमारे साथ जल्दी हो जाती हैं, तो आपके ग्रह स्थिति को एक बार जरूर दिखवा लीजिए किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से, नहीं तो हमारे सिद्ध दरबार जो कि निशुल्क लगता है, हर गुरुवार लगता है, वहां आके हमसे मिल लीजिएगा। और अगर बाय द वे पूरा राशिफल आपसे मैच नहीं करता है तो चंद्र राशि के हिसाब से देखिए, यानी कि जो आपका मून साइन है, जो जन्म कुंडली के अनुसार आपकी राशि बनती है, उसके अनुसार देखेंगे तो ये 100% मैच करेगा। कुछ कॉमन क्योंकि प्रिडिक्शन है तो कई बार 95%, 98%, 92% भी कर सकता है। महासिद्ध दरबार लगने जा रहा है 14, 21 और 28 नवंबर को। बिना टोकन, बिना फीस के होगा। अब आपको टोकन लेने की भी चिंता नहीं करनी है कि गुरुमा टोकन नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके वहां पहुंच जाना। लाल मंदिर बलजीत नगर में, पटेल नगर में ये होने वाला है और सभी लोगों से मैं जरूर मिलूंगी। 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा पे पहला भंडारा इस महीने का किया जाएगा। जो लोग भी सहयोग करना चाहते हैं, तन मन धन द्वारा आप सहयोग करते रहें ताकि नारायण किसी भी रूप में भूखे ना सोएं। और दूसरा भंडारा जो है वो शनि अमावस पड़ने वाली है 30 नवंबर को, उस दिन किया जाएगा। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे काफी लोग ट्रैवल करते हुए, किसी से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुलाकात करके आपको बहुत अच्छा लग रहा है। कोई पुराना पर्सन है उनके, या तो घर जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, या कहीं कॉमन प्लेस पे आप लोग मिल रहे हैं, मतलब बहुत खुशी हो रही है आपको। आपके कोई पुराने जानने वाले थे और बहुत समय से उनसे मिले नहीं थे, तो उनसे मिलके काफी अच्छी फीलिंग्स आपको आने वाली है, जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन आप ट्रैवल कर रहे हैं। थोड़ा सा पैरों का ध्यान रखिए, पैरों में एकदम ऐसा लग सकता है जैसे नसें दुख रही हैं पैरों की, पैरों में, हाथों में, हाथों में कम है, पैरों में ज्यादा है। सुबह भी उठेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पैर चल नहीं रहे हैं, जाम हो गए हैं, नसें अकड़ रही हैं, एकदम जाम हो रही हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकता है। कुछ लोगों की बॉडी में कुछ नीला नीला आपको लग सकता है पैरों में खासकर, तो या तो कहीं लग रही है आपको, या ऑलरेडी अगर सूजन वगैरह होती है तो उसकी वजह से देखिए कुछ स्पॉट्स या कुछ नीले धब्बे आपको नहीं आ रहे, उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इमीडिएटली उसको डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। शुगर अगर हाई रहती है तो उन लोगों को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बात करें अगर हम आपके ओवरऑल लाइफ की, तो इस समय किसी चीज को लेके पॉजिटिवली सोच रहे हैं, किसी चीज का वेटिंग कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं, प्लानिंग करेंगे इस समय में। थोड़ी सी प्रैक्टिकल, मतलब थोड़ी सी तो हवाई चीजें हैं, थोड़ी प्रैक्टिकल प्लानिंग है, तो कुछ अच्छा इसमें से आप क्रिएट इस समय में कर ही लेंगे। कुछ लोगों के पेट में बहुत शार्प दर्द हो सकता है इस हफ्ते में, तो अगर पहले से ही कोई प्रॉब्लम ऐसी है पथरी वगैरह की या किसी और चीज़ की, तो थोड़ा ख्याल रखेंगे। लेडीज हैं तो उनको पीरियड्स वगैरह में हो सकता है, कुछ शार्प पेन मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों को। कुछ लेडीज को यूट्रस प्रॉब्लम भी इस समय में जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं जॉब की, तो जॉब में आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, सबको प्यार कर रहे हो, सबकी हेल्प कर रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी अच्छाई जॉब पे लोगों को दिखेगी नहीं या वो देखना नहीं चाहते।
वो आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, कुछ लोगों को तो इग्नोर किया जा रहा है, तो वो जॉब में आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब इस समय में हो सकता है। बाकी काम को लेकर के बात करें तो काम आपका अच्छा रहेगा, लेकिन काम अगर आप दूसरे से कनेक्ट होके कोई काम करते हैं, मतलब आपने कोई काम प्रोजेक्ट सबमिट करना है, रिपोर्ट सबमिट करनी है, आप दूसरे को बोलोगे, वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, वो जान के पता नहीं क्यों लोग आपको परेशान इस समय में करना चाह रहे हैं जबकि आप बहुत हेल्पफुल हैं इस समय, लेकिन पता नहीं फिर भी लोग आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे जॉब पे, तो वो थोड़ा सा आप इंडिपेंडेंट होकर के कोशिश कीजिए काम करने की। जब आप लोग कमेंट करके बताते हैं, हमारी टीम हमें बताती है आपके कमेंट्स के बारे में, तो बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि जीवन में हम कुछ लोगों के काम आ पा रहे हैं, ऐसे ही कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर बहुत आगे का सटीक राशिफल। भविष्यवाणी बताती हो गुरु माँ। आपको प्रणाम फ्रॉम कैलिफोर्निया। आई ऑलवेज वॉच योर प्रिडिक्शन। आपकी कही हुई हर एक बात 100% सच होती है गुरु माँ। आपकी बातें सच हो गई। आप बोली ट्रिप कैंसिल होने वाला है। अगर आपके जैसे गुरु हो तो दुनिया को जीने में आसानी होगी, अंधविश्वास में जीने वाले लोगों को आसानी होगी। नाइस रीडिंग गुरु माँ। आपकी बहुत सारी बातें सच होती है। जॉब की पोस्टिंग को लेकर आपकी सारी बातें सच हुई। 80% सही होती है आपकी बात। एक साल से देख रहा हूँ। बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस के अंदर ग्रोथ की संभावना बनी हुई है, आप कुछ चीजों को ग्रोथ दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं या कुछ बड़ा आप अचीव करना चाहते हैं, कुछ नए लोगों को भी इस समय में आप ज्वाइन करा सकते हैं, वो थोड़े से अच्छे नहीं है, मतलब आपने वो सोचोगे कि हमारे लिए कुछ करेंगे, वो ऐसा कुछ खास करते नहीं दिखाई दे रहे, टाइम पास करते हुए आपके वर्क प्लेस पे लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो वो आप उन चीजों को थोड़ा सोच समझ के इम्प्लॉयज नए आप हायर करेंगे इस समय तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर रेंट पे आपका कोई शॉप है तो वहाँ कुछ, मतलब अगर बहुत समय से आप वहाँ पे हैं तो आपका जो भी मकान मालिक है वो किराए बढ़ाने को या खाली करने को कह सकते हैं, वहाँ थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम अड़चन दिख रही है, लेकिन अगर नई प्रॉपर्टी इस समय में खरीदना चाहते तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है, आप जा सकते हैं। बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की, तो पार्टनर बार बार ताने बहुत ज्यादा मारेंगे आपके, वैसे तो प्रेम प्रीत बना हुआ है, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन ताने खाने को थोड़ा रेडी रहिएगा, बहुत ज्यादा ताने इस समय में आपको सुनने की पड़ सकते हैं किसी रीजन को लेकर के। फैमिली लाइफ की बात करें तो आपके जो स्पाउस है उनके जो फैमिली है उनको पता नहीं आपसे क्या परेशानी हो गई है, आप एक मतलब दो गुट हैं, एक तो आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं और एक जो है वो आपकी बुराई कर रहे हैं, तो वो दोनों के बीच में, मतलब आप बस बीच में जैसे फंस गए हो, ऐसा कुछ फीलिंग आपको आ सकता है, घर में अगर सबकी गैदरिंग होती है तो भी आपको ऐसा लग सकता है, तो दो पार्टीज डिवाइड हो गई हैं, जो आपको एक बहुत अच्छा मानते हैं और एक आपको आपकी निंदा कर रहे हैं, तो उसके बीच में आप फंसा हुआ अपने आप को महसूस करेंगे। अदरवाइज अपनी जो छोटी सी फैमिली आपकी है वो फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, उनसे काफी मान सम्मान इस समय में आपको मिल सकता है, उनकी जरूरत पे भी आप काफी पूरी करेंगे, कुछ लोग गोल्ड खरीदते हुए या कुछ रोज गोल्ड का कोई सामान खरीदते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। त्योहार का समय है, ये त्योहार आपके लिए बहुत अच्छे जाए, सुखद जाए, भगवान जी आपके घर में खुशियां लेकर के आए, यही आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।